खबर कवरेज के दौरान पत्रकार पर कुछ गुंडों ने किया जानलेवा हमला। सिंगरौली मानवाधिकार मीडिया के ब्यूरो चीफ मुन्ना सरकार गुप्ता निवासी गंगनई थाना सरई अंतर्गत कुछ बदमाशों ने पत्रकार पर तेजधार हथियारों से हमला करने की कोशिश की। पीड़ित पत्रकार मुन्ना सरकार गुप्ता ने बताया कि एक और बारात गन्ने गांव से गई थी, बारात में मैं जा रहा था, मेरे दोस्त ने मेरे को बरगवां में छोड़ करके बोला मैं आधे घंटे बाद लौट के आता हूँ, फिर आधे घंटे बाद लौट के नहीं आया। मेरे पास साधन नहीं था जिस कारण मैं सिंगरौलिया बारात करने नहीं जा पाया। मैं बरगवां में सोचा कि लेट भी हो गया है तो मैं बरगवां आयुष तिवारी का रूम था उनके रूम में जा करके आराम करूँ और वहीं जाके सोऊं। ठीक है, आपके साथ हमला कैसे हुआ? आपके साथ कौन आया? हमला की पूरी घटनाक्रम इस तरह से है कि मैं वहाँ पे जब जा रहा था रूम पे तो 10:30 के लगभग टाइम हो रहे थे, 10:40-11 बजे वहाँ पे डायल 100 खड़ी थी। डायल जब 100 खड़ी थी तो मैं मीडिया कर्मी होने के नाते मैं सोचा कि जाकर के देखूं कि डायल 100 किस तरह से खड़ी है। तो वहाँ पे देखा कि बरगवां की डायल 100 खड़ी थी। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि बाराती पक्ष के दूल्हे के भाई को डीजे वाले ने एक दो चाटा मारा है, जिस बात को लेकर के बाराती पक्ष ने डीजे वाले के साथ जमकर पिटाई की। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अगर डीजे वाले के साथ मार पिटाई होती है तो मुझसे मीडिया होने के नाते मैं ये सोचा कि मामले को आगे तक भेजना चाहिए। तो इस चीजों को लेकर के बाराती पक्ष वालों ने मुझे वहीं पे विरोध किया और विरोध करके मुझे वहां से हटाया गया और गाड़ी में बैठा करके कहीं दूर ले जाया गया। और वहां पर ले जाकर मुझे ये समझाइश दी गई कि इस खबर को छापने की जरूरत नहीं है, ये बड़े घरों की बारात है, इस तरह से मीडिया में बात आएगा तो उनकी भाई की बेइज्जती होगी। जिस कारण मैं वहां से ढाबे पे गया और ढाबे से खाना खाने गया, खाना खाते हुए मुझे 12 बज गए और जब मैं वहां से लौट करके आया तो आयुष तिवारी के रूम में सोने गया और सोए हुए मुझे 10 मिनट हुए थे कि लोग आए और मेरे साथ बताओ। उस घटना स्थल से आपको कौन ने भगाया था? घटना स्थल से मुझे सबसे पहले विकास कुमार सेन आया गन्नई का, जो मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और सामने वाले ने ये पूछा कि आप कौन होते हो यहाँ पे आने वाले। मैंने उसको यही जवाब दिया कि मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, अगर डायल से सामने खड़ी है किसी का विवाद होता है तो मेरा ये अधिकार होता है कि मैं उस सामने जा करके उस मामले को कवर कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी विवाद वहाँ पे नहीं हुई। लेकिन वहाँ से जब मैं वापस लौट के जा रहा था तो कुछ लोग खड़े थे बारात के पास और जब वो मुझे वापस फिर से देखे तो उनको ये पता चला कि यही वो मीडिया कर्मी है जो अभी यहाँ इस मामले को कवर करके जा रहा है। तो लोग आकर के मुझे घेर लिए और मेरे साथ गाली गलौज करने लगे, यहाँ तक कि बाराती पक्ष का जो राहुल गुप्ता है वो मेरे साथ गाली गलौज करने लगा। कुछ गाली गलौज मैंने भी किया उसके साथ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि घटना को लेकर के बाराती पक्ष इतना कबूला हो जाएगा और मेरे ऊपर जानलेवा हमला करेगा। मेरे ऊपर लाठी से मेरे सिर पे वार किया गया, लात घूंसों से भी मेरे ऊपर वार की गई। अब जिस तरह से हमला हुआ उस समय का दृश्य बहुत ही भयानक दृश्य था